चरण कुमार क्लास में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 का जो 1.4 एक्सरसाइज है इस वीडियो में आज हम कंप्लीट इसको स्टडी करने वाले हैं। शुभ नेरी हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लास में इसके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में स्कूल में स्टडी करते हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है मैंने, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है सारे चैप्टर्स के वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर्स का सम है -5। ठीक है, उनमें से एक रेशनल नंबर है आपका -13/6, तो फाइंड द अदर रेशनल नंबर, अदर फाइंड करना है। ठीक है, तो अदर को मान लेंगे एक्स। ठीक है, एक्स में आप ये ऐड कर लोगे इक्वल टू में 5, क्योंकि 5 जो है -5 दोनों का सम है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे लेट वन नंबर बी एक्स, मतलब एक नंबर जो हमें गिविन नहीं है वो एक्स है और ये वाला नंबर तो गिविन है। ठीक है, और दोनों का सम क्या है -5 है। ठीक है, सो नाउ सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, दोनों का सम कर दिया इक्वल टू में -5 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, मतलब हम -13/6 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस में 13/6। ठीक है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 17/6। ठीक है, -17/6, यानी कि जो अदर नंबर है वो -17/6 है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना नहीं आता तो 5 6 जब क्या होता है 30, तो 30 लिख देंगे। ये 13 है तो 13 है और नीचे 6 है तो 6 है। ठीक है, 30 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 17 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट शुड वी एडेड टू -7/8, मतलब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि आपको आंसर 4/9 मिल जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक्स ऐड कर देंगे इक्वल टू में 4/9 रख देंगे। तो मैंने लिखा है लेट नंबर टू बी एडेड, मतलब जिस नंबर को ऐड करना है वो एक्स है। ठीक है, तो 7/ में एक्स ऐड कर देंगे इक्वल टू में आंसर 4/9 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 7/2 है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स आपका यहीं रह जाएगा और ये जो नंबर है उधर जाके ऐड हो गया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, एक्स इक्वल टू ये है आपका, इन दोनों का एलसीएम लेके एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन आ जाएगा 95/72। ठीक है, तो जो नंबर हम ऐड करना चाह रहे थे वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, हमें इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो वो ही एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो मैंने लिखा है लेट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड एक्स, मतलब हम एक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एक्स लिख दिया इक्वल टू में आपका आंसर यह है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये पॉजिटिव में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है एक्स रह जाएगा, तो मैंने क्या किया, ये माइनस एक्स ना रहे इसलिए मैंने क्या किया, एक्स को उधर भेज दिया। ठीक है, मतलब एक्स को इधर भेज दिया तो एक्स हो गया आपका प्लस का, और ये जो नंबर है इसको इधर भेज दिया तो ये आपका प्लस का हो गया। ठीक है ना, उल्टा सुलटा कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन दोनों को ऐड कर लो, इनका एलसीएम आएगा 18। ठीक है, वही ऐड करने का मेथड, 3 से डिवाइड देंगे 6 टाइम, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 12। ठीक है, फिर 6 का डिवाइड देंगे 18 में 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15, और 12 माइनस हो जाएगा 15 में से तो प्लस के 3/18 बचेगा, 3 और 18 कट जाएगा 3 से, 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 1/6 आ गई। ठीक है, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्टेड करना चाह रहे थे वो 1/6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4, द
प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, मतलब उनका मल्टीप्लाई का आंसर ये है, उनमें से एक रेशनल नंबर ये है तो दूसरा फाइंड करना है क्या है, तो दूसरे को मान लेंगे एक्स, ठीक है ना। तो देखो, मैंने लिखा है लेट द नंबर बी एक्स, मतलब जिस नंबर को हम प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं वो एक्स है, ठीक है, और एक नंबर तो ये गिवन है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है। इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू में आपका आंसर 9/4, ठीक है। अब देखो, एक्स के साथ में ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसका ट्रांसफ़र करना चाहेंगे अब तो ये माइनस का प्लस में नहीं जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो नंबर है ये डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो ये 12/7 है, वहाँ पे जाके 7/12 बन जाएगा इधर जाके, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 7/12 बन गया, ठीक है। 7 9 जा 63 और 12 4 जा 48, 63 और 48 जो है कट जाएंगे, ठीक है, 3 से, तो आपका 21/16 आ जाएगा, ठीक है। 21/16 एक इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 5/16 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो गिवन है, इतना है 1 मीटर का कॉस्ट, इतना है। हमें 3 3/4 मीटर क्लॉथ का रेट पूछा है कि कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये मिक्स फॉर्म में, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये जो है 15/4 आ गया और ये 110/3 आ गया, 3 से आपका ये 15 कट गया 5 टाइम, ठीक है, 5 इंटू 5 इंट, अच्छा 4 से, देखो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 70/2 आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 137.5 रुपीज़ आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 3 3/4 मीटर जो क्लॉथ है उसका रेट 137.5 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका, जिसमें कॉस्ट ऑफ 19/4, ठीक है, 19/4 मीटर कोई बायर है, उसका कॉस्ट इतना रुपीज़ दे रखा है, इसमें 1 मीटर का निकालना है, ठीक है, ज़्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, तो डिवाइड देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम ये कॉस्ट है इसमें हम डिवाइड दे देंगे इसका, ठीक है, तो ये डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। अब ये डिवाइड जो है ना, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा और डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का साइन बन गया मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो गया, 19/4, 4/19 हो गया, ठीक है। अब 19 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स और 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 रुपीज़ आपका जो है 1 मीटर वायर का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज स्पीड ऑफ कार ये दे रखी, कार की स्पीड और टाइम टेकन, ठीक है, टाइम जो लग रहा है वो ये है, हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने लिख दिया, अब इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया 184/5 और ये आ गया 15/2, 2 से कट जाएगा 184, ठीक है, 92 टाइम, 5 से कट जाएगा 3 टाइम, तो 3 × 92 करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आ जाएगा 276 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, टोटल लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ जो है टोटल इतनी दे रखी है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है, मीटर में। अब लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है, इसके जो है, अच्छा ईच पीस का लेंथ ये है, ठीक है ना, इसको भी हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इस रूप में से कितने पीसेज बनेंगे इस लेंथ के, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करना है तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ पीसेज आ जाएंगे आपके। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू ये आपका कोस्ट टोटल, इसमें डिवाइड दे देंगे ईच जो पीस है उसका लेंथ, इसका डिवाइड देंगे तो वो ही हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3/22 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3/22 हो गया और ये साइन भी चेंज हो गया, 22 और ये 5 32 कट जाएगा, 11 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल आपका हो ही जाएगा, ये 266/11 बचेगा,
और इसको हम इम्प्रूव मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 22 एंड 2 अपॉन 11 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीसीज है ये, तो नंबर ऑफ पीसीज ऐसा तो आएगा नहीं आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ पीसीज तो एक होल नंबर होता है, तो हम लिख देंगे अप्रोक्स 24। ठीक है, अप्रोक्स 24 पीसीज जो है इसमें से बन जाएंगे इस रूप में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट आर एवरेज, मतलब किसी क्लास के 1/6 स्टूडेंट एवरेज हैं, 1/4 स्टूडेंट जो है 1/4 एवरेज हैं और 1/6 एवरेज के अबव हैं। ठीक है ना, और बाकी के जो बच्चे कुछ हैं वो बिलो हैं, मतलब एवरेज से बिलो हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर बिलो एवरेज इन क्लास, मतलब एवरेज से जो बिलो हैं वो कितने हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट इस क्लास में 48 हैं। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, अब हमें पहले तो वो निकालने हैं जो कि एवरेज से अबव है। ठीक है, तो देखो अबव स्टूडेंट 1/6 है, तो 48, 1/6 ऑफ 48 कर देंगे, मतलब 48 का 1/6 आएगा आपका 8 स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि जो क्लास में एवरेज से अबव है वो 8 स्टूडेंट है, और एवरेज से जो एवरेज हैं वो 1/4 है, तो 1/4 इंटू 48 करेंगे तो 4 से कट जाएगा 12, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो 12 हैं, एवरेज से अबव हैं वो 8 हैं, 8 और 12 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 20 हो गए। तो जो बच्चे कुचे हैं वो आपके एवरेज से बिलो हैं। ठीक है, तो 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो 48 में से, तो आपका 28 आ जाएगा आंसर, जो कि एवरेज से बिलो है। ठीक है, एवरेज से बिलो वाले हमें निकालने हैं, तो पहले एवरेज से अबव वाले निकाल लिए 8 आ गए, एवरेज वाले निकाल लिए 12 आ गए, इन दोनों को ऐड करके 48 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एवरेज से लो वाले आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मोहित जो है परचेज करता है 12 शर्ट्स। ठीक है, एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो इतनी है। ठीक है, और वो रिटर्न करता है 6 ट्राउजर्स। ठीक है, और एक ट्राउज़र की कॉस्ट इतनी है, तो हमें फाइंड करना है कि मोहित को कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में, एक शर्ट की कॉस्ट आपकी इधर रखी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि रोहित जो है 12 शर्ट्स परचेज कर रहा है। ठीक है, मोहित, तो प्राइस ऑफ 12 शर्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मिक्स फॉर्म को सिंपल में किया तो ये आ गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से ये 12 कर जाएगा, 4 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1201 से। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, मतलब ये 12 शर्ट का कॉस्ट है। ठीक है ना, 12 शर्ट का कॉस्ट आपका ये। अब देखो मोहित क्या कर रहा है, 5 ट्राउज़र हैं वो रिटर्न कर रहा है, 6 ट्राउज़र रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ट्राउज़र की कॉस्ट 1 ट्राउज़र की कॉस्ट ये है, तो 6 ट्राउज़र की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 ट्राउज़र की कोट आ गई इतनी। ठीक है, कॉस्ट 6 ट्राउज़र है, उनकी कॉस्ट इतनी है, जबकि वो 12 शर्ट परचेज कर रहा है, उसके बदले में वो 6 ट्राउज़र दे रहा है। ठीक है, फिर भी उसे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले तो 4800 है जबकि ये 3000 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर कि मोहित को कितने पैसे और देने हैं। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इतने पैसे जो है मोहित को पे करने हैं शॉपकीपर को। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि साइना हैज सम चॉकलेट, साइना के पास कुछ चॉकलेट हैं, है ना, कुछ चॉकलेट हैं, उनमें से 2/3 पार्ट वो अपनी एक फ्रेंड है मोहित को दे देता है। ठीक है, 2/3 पार्ट साइना मोहित को दे देता है, और 3/16 पार्ट रिया को दे देता है, और बची कुची टीना को दे देता है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि टीना को कितनी चॉकलेट मिली, जबकि टोटल जो चॉकलेट हैं वो 240 हैं, मतलब साइना के पास 240 चॉकलेट्स हैं। देखो टोटल जो चॉकलेट हैं साइना के पास 240 हैं। ठीक है ना, इनमें से 2/3 पार्ट मोहित को देती है, तो 240 का 2/3 पार्ट निकाल लो। ठीक है ना, 3 से कट जाएगा 240, 80 टाइम्स 80 इंटू 2 करेंगे तो 160, यानी कि मोहित को 160 टॉफीज, मतलब चॉकलेट देती है। ठीक है,
अब 316 पार्ट जो है ये रिया को देती है, तो 240 का 316 पार्ट निकाल लो, ठीक है। 16 से कट जाएगा, 15 टाइम 15 इंटू 3 करेंगे 45, मतलब रिया को 45 चॉकलेट मिलते हैं और मोहित को मिलते हैं 160, ठीक है। 45 और 160 को ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि बच्ची कुच्ची किसकी है, टीना की है, तो 45 और 160 को ऐड कर लेंगे और 240 में से माइनस कर देंगे, तो 40 इनको ऐड कर लिया, 205 आ गई, ठीक है। 240 में से 205 को माइनस करेंगे तो 35 चॉकलेट बचेगी जो कि टीना को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।